अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आज जो चीज़ डिस्कस करनी है चैप्टर नंबर वन है। चैप्टर नंबर वन पहले नंबर पे याद रखिएगा, दो लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर चैप्टर नंबर वन की बात की जाए, चैप्टर नंबर वन, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपके पास दो चीज़ें आ रही होती हैं, या तो न्यूमेरिकल्स आएंगे या फिर आपको थ्योरी आएगी। क्या आएगा? थ्योरी आएगी। थ्योरी मसलन आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, व्हाट इज कंबस्शन एनालिसिस, व्हाट इज यील्ड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपको पता ही, आपने फिजिक्स के अंदर किए होंगे, आपको कोई डाटा वगैरह दिया जाएगा उससे कैलकुलेशन करके कोई आंसर वगैरह निकालना होता है, या आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो अमूमन जो होता है ना, अमूमन इस चैप्टर में से ज़्यादातर चांसेस न्यूमेरिकल्स के होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हर एक चीज़ को डिस्कस कर लें, न्यूमेरिकल पर ना रहें, बाद दफ़ा थ्योरी भी आ जाती है, तो हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर एक चीज़ आ रही होती है। पहले नंबर पर ये बात याद रखनी है। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो है एटम। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, मैक्सिमम बच्चों को इस चीज़ का इलम नहीं होता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटम, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हालांकि अगर केमिस्ट्री को स्टार्ट करें ना, सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको पता हो कि एटम क्या है, एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है, मोलिक्यूल क्या है। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इस बारे में नहीं, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते आया ये एटम है, एलिमेंट है, क्या चीज़ है। तो पहले नंबर पर याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। मैं कहता हूँ आयरन, लोहा, लोहा आपने देखा हुआ है। अगर लोहे की स्ट्रक्चर देखोगे ना, लोहे में कुछ चीज़ें इस तरह आपस में अरेंज होती हैं, अरेंज होने के बाद उसको पार्टिकल्स का नाम दे रहे होते हैं, सही, और पूरे के पूरे लोहे की स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या करते हैं? पूरे के पूरे लोहे की स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। अब कहते वो बेसिक इकाई जो बार बार रिपीट हो रही है, अब इस चीज को हम नाम दे रहे होते हैं एलिमेंट का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एलिमेंट। ये क्या हमारे पास, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लीजिए आयरन की, ये हमारे पास आयरन है और आयरन एक एलिमेंट है। आयरन क्या हमारे पास? एक एलिमेंट है। अगर मैं इसमें सबसे बेसिक इकाई पर जाऊं जो बार बार रिपीट हो रही है बच्चे, वो ये वाली चीज है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का होगा, ये दरमियान न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स, सही, इसके इर्द गिर्द शेल्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सही, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरह कुछ हमारे पास सिस्टम है। अब ये चीज़ यहाँ पे बार बार रिपीट हो रही है, इस चीज़ को जो बार बार रिपीट हो रही होती है इसको नाम दे रहे होते हैं एटम का। मतलब यहाँ से हम एक बात क्लियर कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है वो एटम के मिलने से बनता है, सही है, जो एलिमेंट है वो एटम्स के मिलने से बन रहा होता है। ये पहली बात आपने याद रखनी है। अब हमारे पास इसके न्यूक्लियस में ना गौर करके देखोगे तो दो चीज़ें होती हैं इस तरह के। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसके न्यूक्लियस में दो तरह की चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं न्यूक्लियस में, आपने हमेशा सुना होगा न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपके अंदर ज़्यादा केमिस्ट्री जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के रेलिवेंट ही है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हमारे पास है? अब मैं बात कर रहा हूँ एटम्स की, किसकी बात कर रहा हूँ? एटम की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कर रहा हूँ। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, खड़े नहीं रहते, ये याद रखिएगा, एक जगह पर खड़े नहीं रहते, इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और जबकि इसके बिल्कुल सेंटर में जो चीज पाई जाती है इसको हम नाम दे रहे होते हैं न्यूक्लियस का। क्या नाम दे रहे होते हैं? न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, यहां पर गौर करोगे ना, एक हमारे पास ग्रीन से बनाई हुई है, एक मैंने रेड से बनाई हुई है। यानी कि मैं सपोज कर लेता हूं, एक यहां पे ये जो ग्रीन वाला ये प्रोटोन है और जो रेड वाला है ये कि हमारे पास न्यूट्रॉन है। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रोटोन होता है जो बेसिक इकाई है, मैं वो बात कर रहा हूं, सही है, और सेकंड नंबर में हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। और इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तकरीबन 100 के करीब। हमें तो यही पता है जी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा 100 पार्टिकल्स ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन हमारे पास होता है
प्रोटॉन के ऊपर चार्ज अगर देखा जाए तो बच्चे पॉजिटिव चार्ज रखता है, कौन सा चार्ज रखता है? पॉजिटिव चार्ज, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, आपने ना बेसिक लेवल में दो चीजें पढ़ी होंगी, एक होता है एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर भी कहते हैं, एक होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एक एटॉमिक मास है एटम, एक एटॉमिक नंबर। अब किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की तादाद कहलाती है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक। अगर आप कहते हैं ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन ही एक है। मैं कहता हूं जी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब ऑक्सीजन के एटम के अंदर 8 प्रोटॉन है, 8 पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें हैं। क्या है? 8 पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ एटॉमिक नंबर। और किसी भी एटम में आप, सेकंड चीज, किसी भी एटम में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की ओवरऑल तादाद, क्या चीज? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की ओवरऑल तादाद कहला रही होती है एटॉमिक मास, और या फिर इसको हम नाम दे रहे होते हैं मास नंबर, मास नंबर। और ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स, सॉरी टेंथ क्लास की फिजिक्स है ना, उसमें दी हुई है सारी की सारी डेफिनेशंस, सही है। हालांकि ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए आपने पढ़ी हुई है, नहीं भी एक्सप्लेन करूँगा काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। मतलब मैं अगर यहाँ कहूँ एटॉमिक मास, तो आपको पता हो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, दोनों को जमा करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। अब प्रोटॉन कितने? एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन कितने किसी भी एटम के अंदर, वो क्या हमारे पास? एटॉमिक नंबर। यहाँ तक अभी तक हमने एक चीज़ क्लियर कर ली है कि एलिमेंट बनता है किस तरह? एटम्स के मिलने से। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, और आपकी सारी की सारी केमिस्ट्री एटम का एलिमेंट है, बस ये बात याद रखिएगा। और एटम के मिलने से एलिमेंट भी बन सकता है, और एटम के मिलने से मॉलिक्यूल भी बन सकता है, याद रखिएगा। क्या? एटम के मिलने से एलिमेंट भी बन सकता है, और एटम के मिलने से मॉलिक्यूल भी बन सकता है, इसमें कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर मैं दो एटम को आपस में मिला दूं, मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास दो एटम्स हैं, ये वाले दो एटम्स हैं, ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन, मैं दोनों को मिला रहा हूं, दोनों जब आपस में जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, उस तरह जुड़ गए, जुड़ने के बाद इसने बना दी हाइड्रोजन गैस, और ये वाली चीज मॉलिक्यूल है, उसको आप एलिमेंट भी कह सकते हो। ये ना कुछ इस तरह की, हाँ, इनको एलिमेंट भी कह सकते हैं, इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, सही। लेकिन एटम नहीं कह सकते। क्यों नहीं एटम कह सकते? क्योंकि दो एटम के मिलने से बना है, जो एटम के मिलने से चीज बनती है उसको क्या नाम देते हैं? एलिमेंट या फिर मॉलिक्यूल का। अब देखो मेरे पास एक और चीज, ये ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपसे मिलाए, मिलाने के बाद ये वाली चीज बन गई, ये है H2O। अब इसको आप कह सकते थे एलिमेंट भी और मॉलिक्यूल भी, और मॉलिक्यूल भी। लेकिन इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल कहूंगा, और इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, वो बताता हूं कंपाउंड किस वजह से कह रहे होते हैं। इसको मैं सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल कहूंगा, क्या कहूंगा? या फिर कंपाउंड, कंपाउंड या मॉलिक्यूल, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इसको मैं एलिमेंट क्यों नहीं कहा? एक बात याद रखिएगा, एलिमेंट बनता है हमेशा जब एक ही तरह के एटम्स आपस में मिलेंगे, उसे मॉलिक्यूल बन सकता है। जब मुख्तलिफ तरह के एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड बनेगा। अब थोड़ी सी बात को ना जहन में रखिएगा कि अगर एक ही तरह के मिल सकते हैं तो उसके जरिए से जो चीज हमारे पास बनती है वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है, उसको दोनों नाम दिए जा सकते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा तरह के मिलेंगे उसको आप एलिमेंट तो नहीं कह सकते, हाँ मॉलिक्यूल कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं। अब ना कंपाउंड, मैंने कहा जी इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं, आपको जी चलो ठीक है आपकी बात मान ली, इसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। आप मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड में क्या फर्क कर सकते हो? पता है मॉलिक्यूल में और आयनिक कंपाउंड में क्या फर्क है? चेक करना, कंपाउंड होते हैं दो तरह के, वैसे चार तरह के होते हैं लेकिन मैं यहां पर सिर्फ दो तरह के लिखूंगा। एक होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड, आयनिक
कंपाउंड, और एक होता है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड। ये बात याद रखिएगा, कंपाउंड हमारे पास दो तरह के होंगे, एक होंगे आयनिक कंपाउंड, एक होंगे कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा। क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। और कोवलेंट कंपाउंड किसको कहेंगे? जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा, जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होगा। और कोवलेंट बॉन्ड जिसमें होगा उसको आप मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। लेकिन जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा उसको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। आप NaCl पढ़ा होगा, NaCl को आप कभी भी मॉलिक्यूल नहीं कहते होगे। आप कहते जी NaCl इज अ फॉर्मूला यूनिट और आयनिक कंपाउंड। NaCl क्या हमारे पास? आयनिक कंपाउंड। आपने कभी कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल में नहीं दिया होगा, यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, उस चीज को आप मॉलिक्यूल कह सकते हो, वरना आप उसको मॉलिक्यूल का भी नाम नहीं दे सकते। ये था जी बेसिक सा इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आ जाता है, क्योंकि आपकी बुक में डायरेक्ट एटम से स्टार्ट कर रहा है, ना एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है, ना कंपाउंड का कॉन्सेप्ट है। आपकी बुक में जो चीज़ें दी गई हैं वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, ये वाली चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एटम। एटम को अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे सिर्फ डेफिनेशन एग्जाम्पल कर लो, एनएफ है। लेकिन हम लिख सारा लेंगे, पढ़ सारा लेंगे, ताकि बातें हमें सारी क्लियर हो, किसमें करना क्या है, क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम की डेफिनेशन, वो कहते हैं एटम, देखो ये किसका स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा हिस्सा है, एलिमेंट का। एटम इज द स्मॉलेस्ट, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, केमिकल रिएक्शन। लो जी, ये एटम की डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन के बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, वो है एग्जांपल्स। अब एग्जांपल आपको पता है, पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा हुआ है, 118 एलिमेंट्स हैं। आप उनमें से किसी का भी उठा के नाम यहां पे लिख दो, सही है? तो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिखने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा एग्जांपल्स में क्या क्या एग्जांपल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले यहां मैं नियॉन लिखूंगा, फिर हाइड्रोजन लिखूंगा, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, XE, सोडियम, मैग्नीशियम, यानी कोई भी आपके जहन में नाम आता है ना जो एलिमेंट का, वो आप यहाँ पे नाम लिख दो, वो एटम की हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी, सही है? 118 तरह के एटम्स हैं, 118 तरह के। और आपकी दुनिया के अंदर जो भी चीज़ बनी हुई है वो इन्हीं एटम्स के मिलने से बनी हुई है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि शुरू में क्या कॉन्सेप्ट था एटम के मुतालिक, फिर ऐसा ऐसा किस तरह चेंजिंग आई। तो हिस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए, हिस्ट्री, सबसे पहले बात करूंगा एयरली थॉट्स से क्या मुराद है, यानी कि शुरू वाले आपके क्या, EARLY, एयरली थॉट्स, यानी जो शुरू वाली आपकी सोच वगैरह क्या थी 1800 कुछ में। अच्छा, एटम का अगर वर्ड का मतलब देखा जाए ना, एटम वर्ड एटमोस से निकला, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। क्या मतलब होता है? अब उसका क्या मतलब है वो भी देख लेते हैं, सही? तो सबसे पहले ये तस्वर किया जाता था, ये एटम का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंसदान जो थे ना, साइंसदान तो नहीं मैं कहूँगा, वो फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर थे, यूनानी फिलासफी, फलसफादान कहते हैं उर्दू के अंदर। आपको पता है फलसफादान किसको कहते हैं? एक होता है साइंटिस्ट, एक होता है फलसफादान, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फलसफादान होता है ऐसा बंदा, कायदे अल्लामा इकबाल सर बहुत बड़े फलसफादान थे, फिलोसफर थे, पढ़ा होगा आपने। अब फिलोसफर होता कौन सा बंदा है पता है आपको? कौन सा बंदा होता है?
नहीं, अब देखो अल्लामा इकबाल ने बरसगीर पे गौर किया और पता चला जी यहाँ पे दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान है और दूसरे हिंदू हैं, एक क्या हमारे पास मुसलमान और दूसरे क्या हैं हिंदू हैं। अब उसने बंदे ने थोड़ा सोचा, सोचने के बाद कहा ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं रह सकती, इन दोनों का अलग अलग वतन होना चाहिए, इनके खाने पीने का रहने सहने का हर लिहाज से तरीका का अलग है। उसने नोट किया, नोट करने के बाद अपने इजहार को बयान कर दिया और उसको नाम दिया कि दो कौमी नज़रिया। सही है, अब क्या हुआ जी उसने सिर्फ सोचा, सोचने के बाद बयान कर दिया, उसको फलसफा दान कहते हैं, फिलोसोफर। और फिलोसोफर यही होता है, वो सोचता है और जो भी चीज़ उसको समझ में आया, जो चीज़ उसको सही लगे वो कहता है ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए, फलसफा दान है। कोई तहकीक नहीं होगी उसके पीछे, यानी कि उसकी सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन होगी। और इसी तरह ग्रीक फिलोसोफर थे, यानी कि वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया जी एटम इस तरह का होगा, नहीं, उन्होंने कहा जी हमारे पास जो एटम है, दुनिया के अंदर जो भी चीज़ बनी हुई है जी, कोई ऐसी चीज़ जो बार बार रिपीट हो रही है उसके मिलने से बन रही है। उसके बाद एक साइंस फिलोसोफर आया डेमोक्रेटिक्स, उस बंदे ने उस चीज को नाम दे दिया एटम का, एटम का नाम देने वाले साइंसदान का नाम था डेमोक्रेटिक्स। सही है, तो ग्रीक फिलोसोफर्स थॉट दैट ऑल द मैटर, ऑल द टाइप ऑफ मैटर्स, तमाम किस्म के जो मादे हैं ना हमारे पास, ऑल द टाइप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, सॉरी ऑल द मैटर इज क्या THOUGH, सही थॉट, that all the type of matter is made up of simplest या smallest particles, छोटे छोटे ज़रात के मिलने से बनी हुई है। डेमोक्रेटिक्स साइंसदान का नाम है, इस बंदे ने इस चीज़ को नाम दे दिया डेमोक्रेटिक्स, कॉल दिस पार्टिकल called these particles atom। उसने उस चीज को नाम दिया जी एटम है, और एटम का अगर मीनिंग देख किया जाए, नेक्स्ट हमारे पास क्या एटम का मीनिंग कहते, एटम जो वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का है, देखिए हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का है, और एटम जो वर्ड है ये है ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक यूनानी LANGUAGE ग्रीक यूनानी को कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है, और जिस लफ्ज़ से निकला है वो है एटमॉस, और एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल, और इंडिविजिबल कहते हैं नाकाबले तकसीम, ऐसी चीज जो मजीद तकसीम ना हो सके। अब नाकाबले तकसीम का मतलब क्या, आप इसको समझ लीजिएगा, मैक्सिमम बच्चों को इंडिविजिबल का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन नहीं होती कि व्हाट इज मीन बाय इंडिविजिबल, कि इंडिविजिबल का मतलब क्या, देखो कहते जी मेरे पास ना एक रॉड है ये वाली, क्या किया मैंने इसको डिवाइड, डिविजिबल का मतलब डिवाइड करते जाओ, मैं दरमियान तोड़ा मेरे पास इतना आधा हिस्सा रह गया इसका, मैंने इसको भी दरमियान तोड़ा आधा रह गया, मजीद इसको दरमियान तोड़ा और आधा रह गया, मजीद इसको दरमियान तोड़ा और आधा, मजीद इसको दरमियान तोड़ा और आधा, मजीद इसको दरमियान तोड़ो और आधा, मजीद इसको दरमियान तोड़ो और आधा, मजीद तोड़ो, एक वक्त ऐसा आएगा आप इसको मजीद डिवाइड नहीं कर पाओगे, वो जो चीज़ बनेगी उसको नाम दिया गया कि ये एटम है, ये क्या हमारे पास एटम है, ये एयरली थोड़ थी कि आप एक चीज़ को तोड़ते जाओ, लास्ट में वो चीज़ बन जाए जिसको आप मजीद तोड़ ना सको, वो चीज़ क्या होगी एटम होगी, वो चीज़ क्या है हमारे पास
एटम है भाई, ये बात याद रखनी है कि एटम का मतलब क्या है, इंडिविजिबल का मतलब क्या है। सही है। तो अब इसके बाद ना हमारे पास अब जो मॉडर्न स्टडी है, मॉडर्न स्टडी, अब इस इन्होंने क्या कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल, बस कोई मजीद तकसीम नहीं किया जाता इसके अंदर और कुछ भी नहीं होता। लेकिन मॉडर्न स्टडी के मुताबिक ये कहा गया जी एटम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्टडी मॉडर्न स्टडी के मुताबिक एटम इज नॉट इंडिविजिबल, एटम इज नॉट इंडिविजिबल, एटम इंडिविजिबल नहीं है, दे आर कंपोज, या इट इज कंपोज ऑफ, ये दे आर ना करो, इट इज कंपोज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सही है। एंड ऑलमोस्ट तकरीबन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल 100 के करीब सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर। सही है, बात कही गई। अब इसके बाद एटम के मतलब एक दो साइंसदान और भी थे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया है। एक था जॉन डाल्टन, क्या हमारे पास डाल्टन। बेशक बच्चे सारी चीज़ें ना याद कीजिएगा लेकिन समझ लीजिएगा, मेन चीज़ आपकी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आपका एटम की डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है। कम से कम ये कर लीजिएगा, बाकी देख लीजिएगा अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा डाल्टन दो लिहाज से बड़ा मशहूर था, इसने काफ़ी सारे ला दिए। आप डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ोगे, ये ला दिया इसने, दो लॉ और दिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दो लॉ देने वाला भी साइंसदान डाल्टन ही था। और इसके अलावा इसने एटॉमिक थ्योरी भी दी। मतलब डाल्टन के अगर काम देखे जाएं तो दो लिहाज से ये बड़ा मशहूर था। पहले नंबर पे डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। अब एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक क्या था डाल्टन का, ये डाल्टन पहले नंबर पे याद रखिए, डाल्टन इज अ स्कूल टीचर, ही वाज अ स्कूल टीचर। पहले नंबर पर ये बात याद रखनी है कि डाल्टन एक स्कूल का टीचर था। सही है। और ये हमारे यहाँ जैसे पाकिस्तान का स्कूल है ना, इस तरह के स्कूल नहीं होते, वहाँ पर हाई लेवल के स्कूल होते हैं, वहाँ पर रिसर्च वगैरह करवाई जाती है, की जाती है कॉलेज वगैरह में। सही है। स्कूल टीचर था, इसने काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन है इसकी। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी, कुछ लाज भी दिए, वो दोनों यहाँ पर लिखे। इसने यही बात कही थी कि ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट या एटम्स। और अब देखो अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ गौर करोगे थोड़ा सा, एटम का मतलब था इंडिविजुअल जो तकसीम ना हो सके, लेकिन बाद में साबित हो गया एटम के अंदर और भी चीज़ें मौजूद हैं, इसको तकसीम किया जा सकता है। लेकिन अभी भी हम एटम ही वर्ड यूज करते हैं जिसका क्या मतलब है इंडिविजिबल। ये तो थोड़ा एहतजाज हुआ ना, बाद में नाम चेंज कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, एक होती है आपके जो चीज़ पड़ जाए नाम से, इसको एटम कहते हैं, वो एटम ही रखा। फिर सही, रवायत पड़ जाती है ना, बस वो रवायत पड़ी हुई है, अभी तक एटम ही चल रहा है। सही है। और एटम का जो मतलब है उससे बिल्कुल एटम अपोजिट है, ये भी याद रखिएगा। एटॉमिक थ्योरी ने क्या दी थी, इसने कहा जी ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, मुख्त तरह के एटम्स से मिलने के बने हुए हैं। और इसके लॉज जो थे, अब इसके बात कर लेते लॉज की, ही गेव टू लॉज, इसने दो लॉज दिए थे। अब वो दो लॉज कौन कौन से थे, एक था जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, C O N S E R
SERVATAN कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये दो लॉ थे इसके। अब ये लॉ क्या है, बाद दफा यहाँ पे बचे मैस में लॉ ऑफ डेफिनेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, सही है। अब ये दो लॉ क्या हैं, ये दोनों के दोनों आप जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ोगे ना, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना इसका एक स्पेसिफिक जिस तरह होता है कि इन लॉज की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, वैसे नहीं है। और सिर्फ नाम याद रखने के, इसमें दो लॉज ये थे, अगर नहीं भी याद रख सकते छोड़ दीजिएगा। मैंने पहले बताया कि इस सबसे जो इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके एटम और एटम की डेफिनेशन है। बच्चे इसके बाद लास्ट में एक साइंसदान का नाम याद रख लीजिए, वो था जैकब बर्जीलियस, बर्जीलियस। अब जैकब बर्जीलियस ने दो काम किए थे, पहले नंबर पे इसने एटॉमिक मास डिस्कवर किया, सही है। ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ही डिटरमाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को डिटरमिन कर रहा था, सही है। और इसके बाद आपने देख जिस तरह कहते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, एच से। अब ये वाला जो सिस्टम निकाला था ये जैकब बर्जीलियस ही था, मतलब हाइड्रोजन कहते हैं जी पूरा ना लिखो, आप हाइड्रोजन लिखते वक्त काफी देर लगा देते हो, आप सिर्फ उसकी जगह पर उसका सैंपल यूज करो, एच लिखोगे अगला बंदा खुद ब खुद समझ जाएगा हाइड्रोजन लिखा है। इसको कहते हैं सैंपल, क्या कहते हैं सैंपल। और एलिमेंट के जो सैंपल को डिस्कवर करने वाला साइंसदान था वो बर्जीलियस था, कौन था, बर्जीलियस साइंसदान था, बर्जीलियस सैंपल को डिस्कवर करने वाला, कि हाइड्रोजन पूरा ना लिखो और सिर्फ एच लिखो। ये हमारे पास क्या होगा, बर्जीलियस ने काम किया था, सही, बर्जीलियस, बर्जीलियस गेव सैंपल टू एलिमेंट्स। ये था जो बच्चे सारी की सारी एटम के मुतालिक स्टडी जो आपके बुक के अंदर दी गई है, यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, कम से कम एटम की डेफिनेशन। और ये चीज़ बच्चे लाजमी याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब एटम एलिमेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल कब होगा नहीं होगा, ये एलिमेंट कब होगा मॉलिक्यूल कब होगा, ये सारी सारी चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के हवाले से अगर देखा जाए तो। ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइनों के अलावा भैया जो चीज़ समझाई थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद रखिएगा। ये बच्चे हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।